sure do like to show your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun in games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up, up in the window right now. Smiler and smiler, you face. Face, of course. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अभी आपने टाइटल वगैरह थंबनेल तो देख ही लिया होगा हम क्या करवाने वाले हैं आरएस में, ठीक है। तो अभी हम आरएस में 180 सेक्शन का टायर लगाने वाले हैं डायरेक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही मेरे फ्रेंड वैभव की आरएस, और इस पर भी हम करने वाले हैं, सॉरी लगवाने वाले हैं 180 सेक्शन का टायर, जो कि ये रहा। पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यार, फिर वरना लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये तो 180 है ही नहीं, ठीक है कहाँ ये देख लो 180 55 आर 70 देख लो भाई 180 55 आर 70 नहीं है, ठीक है। तो ये लगाएंगे अपनी गाड़ी में भी, और जो पहले से आरएस में टायर है वो है आपका 130 एस में, जो कंपनी से आता है आपका। बाकी से लगाने में थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ लगेगा इसमें, तो थोड़ा तो मुश्किल ही होने वाला है भैया को भी, क्योंकि आरएस करीम ना बहुत पतला आता है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी लग जाएगा ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और जो आरएस में टायर आता है ना कंपनी से, सच में वो बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा है। अभी जो हम ये टायर लगाएंगे इतना ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं लगेगा लगने के बाद, बट ये कि उससे तो ज़्यादा ही चौड़ा दिखेगा, और आपको लीन वगैरह करने में तो भाई कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आने वाला है। कुछ टाइम बाद आपको इसमें नई नई मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी मेरी बाइक पे भी, और इस पे भी दिखेगी आपको, ठीक है। Few moments later. हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। ओहो सर, आपको वहाँ से दूर से देखा। हाँ बस, अरे हमारे आदि भाई की KTM सिंस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर। अच्छा वहाँ से मेरे को देखते हुए आ रहे थे? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा हम यहीं काम कराते हो क्या? हाँ ये कर रही है, मैं यहीं बनते रहता हूँ। तो ये कर दिया भैया ने टायर अलग, और भैया के पास ही आना, बेस्ट सर्विसिंग भांजा वाला। सॉरी इसे ना एक बार ऐसी देख हुआ रख के रहेंगे कैसा लग रहा है। ये देख लो एक बार लुक ऐसी लगा के देखा। खैर ये इतना बड़ा तो नहीं लगने वाला टायर, बट फिर हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको। सो गाइस ये देख लो, ये उतार दिया 130 नंबर, ये भी बहुत बढ़िया है, अभी इसे हम घर लेके जाएंगे, ठीक है। बाकी ये रहा अपना वाले की। तो अभी लगने के पहले देख लो इतना पतला हो गया, ठीक है। भाई ने तो लगा दिया, जल्दी से लगा दिया भाई। तो एक लाख, एक लाइक भाई के लिए, एक लाख कह रहा मैं, एक लाख भाई नौकरी छोड़ रहे हैं भाई, अभी उड़ने लग जाएगा नीचे तक किराया तक। तो गाइस देख रहे हो आप, जितना इजी लग रहा था मतलब लगना उतना है नहीं, क्योंकि आरएस करीम आपको पता ही है पहले से बहुत पतला आता है V3 के मुकाबले, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही लगने में। अभी भैया इसमें प्रेशर डालेंगे एयर का, अगर ये बाहर निकल जाता है तो भाई मजा आ जाएगा। रॉबर्ट
आयरन मैन की टेक्नोलॉजी बस आ जाए। चल कौन 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 सॉरी सो गाइस, अभी टायर तो बैठ नहीं रहा था, ठीक है, रिम में बिल्कुल भी। 3 घंटे से ऊपर हो गए थे करते करते, तो ये बिल्कुल ही इसके अंदर एयर का प्रेशर वगैरह कुछ नहीं बन रहा था। तो भैया ने अभी इसके अंदर ट्यूब डाली है, तो भैया कह रहे हैं कि ट्यूब डालने के बाद ये बैठ जाएगा, तो अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ये देख लो, गाइस फाइनली ट्यूब डाल के ना टायर लग गया, और हमारे नवीन भाई भी आ गए यहाँ पर। इधर इधर देखो, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। और ये रही नवीन भाई की R1, ठीक है, बस अब इसे फिट करना है इस पर। देखो ये इतना ब्रॉड तो नहीं लग रहा है, और ये टायर मैं आपको दिखा देता हूँ। टायर कहाँ गया, ठीक है, ये देख लो टायर 180/55 R17 ये, ठीक है, टायर वही है। बाकी इतना ब्रॉड नहीं दिख रहा है जितना आपको पहले दिख रहा था, क्योंकि इसका रिम साइड बहुत ज़्यादा छोटा है। सो गाइस फाइनली अपनी बाइक पे टायर लग गया है, एक बार आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देख लो। सो गाइस जैसे कि अभी रात हो रही है अभी, तो अभी हम घर चलेंगे सीधा, ठीक है, उसके बाद आपको सुबह इसके सिनेमेटिक शॉट दिखा देंगे। रात में तो इतना अच्छा व्यू आ नहीं रहा है इसका, तो अभी भैया से पेमेंट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं सुबह। सो गाइस उस टाइम रात हो गई थी, तो अभी मैं वीडियो दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ दिन के टाइम, तो एक बार आप इसका लुक देख लो कैसा आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 180 जितना ब्रॉड नहीं लग रहा है, बट ये आपका 160 जितना लुक दे रहा है। और मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, भाई ये 180 है, कहाँ की तरफ हो ये देख लो, 180/55 R17 पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है, ठीक है बाइक मुझे। तो गाइज आप सभी ने वीडियो देखी होगी, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही मॉडिफिकेशन लेके आते रहेंगे अपनी बाइक के ऊपर, अपनी बाइक पे भी और RS पे भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।